क्या आप जानते हैं कि आखिर इन कंस्ट्रक्शन साइट पर इमारतों को हरे रंग के कपड़े से ही क्यों ढका जाता है? तो इसका मेन रीजन ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर्स का ध्यान बाहर की ओर ना भटके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऊंची जगह पर से काम करने से डर लगता है। ऐसे में कारीगर जब ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो कभी कभी उनका मन घबराने लगता है। और जहाँ भी बिल्डिंग बननी शुरू होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल मिट्टी जैसे इस्तेमाल होने वाले सीमेंट उड़ते हैं, जिसकी वजह से आसपास होने वाले लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। इसीलिए बन रही बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उससे निकलने वाली धूल मिट्टी बाहर ना आ सके। लेकिन फिर भी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इमारतों को हरे रंग से ही क्यों ढका जाता है, नीले काले या किसी अन्य रंग से क्यों नहीं ढका जाता? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हरा रंग बाकी रंगों के मुकाबले ज़्यादा दूर से नज़र आता है। इसके साथ रात के समय में थोड़ी सी भी लाइट पड़ने पर हरे रंग का कपड़ा तेजी से रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते समय उसे हरे रंग के कपड़े से ढका जाता है। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है हमारे चैनल का रेड सब्सक्राइब बटन, जिसको आपको दबाकर सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे।